ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मैडम मैडम, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप मेरी एक बात भी नहीं समझ रही। देखें, पहले आपके स्टोर पे इतना उधार चढ़ चुका है, नहीं उधार तो कयामत आ जाए हम नहीं करते, वैसे तो आप भी कयामत से कम नहीं लग रही। अच्छा चलो इस बार मैं कर देता हूँ, लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। जानी ड्राइंग रूम का पंखा नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूं, अच्छा नहीं चल रहा, सुकून में आ गया। अरे बाबा जानी, वो मेरे कमरे की लाइट नहीं चल रही है बाबा। उधर का पंखा नहीं चल रहा, आपके कमरे की लाइट नहीं चल रही, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे बाबा तो ऐसा करो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो। नहीं बाबा, इलेक्ट्रिशियन आएगा तो खर्चा हो जाएगा बाबा, जानी जाओ तुम जाके खुद देखो। नहीं, मुझे तो वही करंट लगता, मैं नहीं। अरे बाबा क्या होगा, ज्यादा ये थोड़े से बाल है वो खड़े हो जाएंगे बाबा, आजकल फैशन चल रहा है। वैसे जानी अगर तुम्हारे ऐसे बाल होगे तो तुम बहुत खूबसूरत लगोगे। भला ये तो बताओ कि अचानक से ये सारी चीजें खराब कैसे हो गई? मेरे ख्याल से पावर ज्यादा आ गई होगी। अरे बाबा पावर ज्यादा आया होगा इसका मतलब है बिल भी ज्यादा आएगा। तो आने दे, आपने कौन सा अपनी जेब से देना है? चल ले नहीं मारा करो हर वक्त, बाबा जाओ जाके चेक करो क्या हुआ है। सच्ची बात भी बंदा मुंह पे नहीं बोल सकता क्या? चलो बाबा जाओ जाओ, तुम्हें तनख्वाह काटनी पड़ेगी, बहुत बोलने लग गया है। बक 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 बक, बेचारे को बोलने दो भला, इससे का भला थोड़ी बिल आएगा। हमारा तो आएगा ना बाबा, टेंशन नहीं लो भला। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सेठ साहब, जहां देखते हैं वहीं सो जाते हैं भाई। सेठ साहब उठे, अंदर चल के लेटे। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते सेठ साहब। सेठ साहब, अरे जानी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं सेठ साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे। पापा, अरे अभी तो कह के गए थे कि मैं मीटर में कुछ करूंगा और बिल कम आएगा। मुझे लगता है इनको लग गया करंट, और इनका हो गया थैंक यू वेरी मच, मतलब एंड, पक्का कह रहा हूँ मैं आपको। जानी चल रहा है, एक काम करता हूँ, दोनों हाथ इनके मुंह पे रख देता हूँ, सांस बंद हो जाएगी। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, दिमाग ठीक है तुम्हारा? सेम बैठे है माइक केदर है जी। आप सेठ साहब को काफ में? तुम जिन है? नहीं, मैं तो जानी हूँ। मेरे को तो जिन ही लगता ना जी। अरे भाई ये इसका फैसला बाद में कर लेना, अभी पापा को उठाओ अंदर लेके चलो। हाँ उठाओ। जानी तुम्हें क्या हुआ? सेठ साहब तो करंट छोड़ रहे। मैं बच्चों को बुला के लाती हूँ। बच्चों को बुला के? बच्चों, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, बच्चों। बहुत मजे काम आता कहोगे? नहीं अच्छा ठीक है बल्ला। अरे जरीना, ये कौन सा तरीका है पूछने का? मेरे को पता है कि तुम मना कर दोगे। बच्चू बच्चू बच्चू, अरे क्या हो गया सीमा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोहराम आ गया। अरे बाबा कौन सी गाड़ी से? मेरा मतलब है आफत आ गई है। अरे बाबा कौन सी फ्लाइट से? बच्चू गजब हो गया, गजब। किसके घर? हमारे घर। अरे बाबा हमारे घर अजब नहीं होता तो भला गजब कैसे होगा? बच्चू पापा को करंट लग गया है। हाँ बाबा, बड़ा अफसोस हुआ, बेचारे बड़े अच्छे इंसान थे। बच्चू वो जिंदा है अभी। अच्छा बाबा। अच्छा, इसका मतलब है कि आजकल करंट में भी मिलावट है? वो कैसे? देखो अदा, पहले किसी को करंट लगता था तो बंदा मर जाता था, अभी सेठ साहब को करंट लगा लेकिन वो जिंदा है। जरीना तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो। अच्छा बाबा ये बताओ कि उनको करंट लगा कैसे? पता नहीं मीटर में कुछ कर रहे थे, उनका मीटर तो नहीं घूम गया था जो मीटर में कुछ कर रहे थे। हाँ बाबा, तभी तो लाइटें और पंखे खराब हुए।
अरे मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ। पापा का ना? अरे नहीं बाबा, लाइट और पंखों का। अरे वो पापा जानी है किधर? कमरे में, चलो चल के देखे बच्चों। चलो बाबा, चलो चलो। बेचारे को कुछ हो गया होगा तो मजा आ जाएगा। जी भाई फरमाइए। ऐसी बातें करेंगे मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, मैंने ऐसी क्या बात कर दी? मैं कह रहा हूँ मेरे से बदतमीजी नहीं करनी। ओ भाई, मैंने कब बदतमीजी की आपसे? देखो मुंह संभाल के बात करो। भाई मुंह भी संभला हुआ है, तबीयत तो ठीक है आपकी? यार मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, ऊपर से तुम बकवास किए जा रहे हो। क्या कह दिया मैंने? क्या 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 कहा? ये मेरा स्टाइल है और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सारी बातें नहीं करनी मेरे साथ। ओ भाई तुम हो कौन? असलम करंटा, इलेक्ट्रीशियन हूँ। और ये कहो ना, हाँ मैंने फोन किया था। फोन आपने किया था? हाँ हाँ फोन मैंने ही किया था। तो ये बताओ ना तुम। बोलो क्या काम है? आओ अंदर चलो, आओ चलो। अरे बाबा सीमा, पहली बार देखा है, पापा जानी तो बहुत तेज करंट मार रहे हैं। लेकिन बच्चू अब होगा क्या? अरे बाबा मेरे ख्याल से अब नई वायरिंग होगी। बकवास बंद करने का, मायरे को कुछ नहीं हुआ जी। अरे पापा जानी आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो हाथ लगाता है उसे कुछ कुछ हो रहा है। जानी ये कौन है? कितनी दफा बताया मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। अरे बाबा अभी तो बताए। आपका नाम? बाबा दूल्हा भाई। दूल्हा भाई तो नहीं कहूंगा मैं। क्यों? जब मेरी कोई बहन ही नहीं। तो हम क्या करें, तुम्हारा बहन नहीं है तो हम कहाँ से लाएगा बहन। अच्छा बताए करना क्या है? पापा को करंट लग गया था। अरे बाबा अब ये खुद करंट मार रहे हैं। ये तो आंख मार रहे हैं। काफी देर से आया, न कोई सलाम न कोई दुआ न कोई हाथ मिला। हाथ मिलाने का जे अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबा ये तो भाग गया है। और कोई हाथ मिला था? जानी जानी आ जाओ, हाथ मिला। यार पता नहीं जानी भाई कहाँ रह गए। अरे शहर यार, ये लो जरा गाड़ी की चाबी पकड़ो, ये रहो और ये लेस पकड़ो, ये सारा सामान फटाफट ले आए। जानी भाई ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा अब यानी तू हमें बताएगा कि क्या काम हमारे हैं क्या काम तेरे, मतलब ये दिन आ गए। और ये गाड़ी के हॉर्न की तरह ट्रैक्टर मत बोला कर दो, समझता मैं क्या कुछ कर सकता हूँ महीने के आखिर में, तनख्वाह ओवर टाइम, समझ गया ना तू? अरे जानी भाई आप तो नाराज ही हो गए, लाइन ले आता हूँ नेक्स्ट टाइम, ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हाँ अब लाइन पे आया ये। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आ जाओ बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीमा देखो हमारी दोस्त पर आई है। क्या बाबा? मेरा मतलब है कि आपकी दोस्त पर आई है। आओ आओ आओ। हाय सीमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बैठो 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 बाबा बैठो। वैसे कैसी हैं आप? देखने में तो अच्छी लग रही हैं, वैसे कैसी हैं? पंचू मैं बात कर लूं? अरे बाबा आपकी तो दोस्त है, आप तो बात करती रहती हैं, मैं कर लेता। सीमा तुम कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत तो है? हाँ वो ना पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत? अरे बाबा वो खुद ठीक नहीं है। बच्चू क्या हुआ अंकल को? बाबा करंट मार रहे हैं। है करंट मार रहे? ये छींके मारते तो सुना था, ये करंट मार रहे तो पहली दफा सुन रही हूँ। वो एक्चुअली मीटर में कुछ काम कर रहे थे, उन्हें करंट लगा वो गिर गए। मीटर में क्या कर रहे थे? मीटर ठीक कर रहे थे। तो फिर मीटर ठीक हो गया? नहीं बाबा मीटर तो ठीक नहीं हुआ, वो खुद खराब हो गए। बच्चू फरा तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम चलो ना मेरे साथ चल के पापा को देखो। अरे नहीं 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 बाबा आप उनको मत देखना। क्यों? अरे फिर वो आपको देखते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है अंकल। हाँ चलो चलो मेरे साथ चलो। आप बैठो मैं दिखाता हूँ। बच्चू चलो। अरे कौन? जी फरमाइए। साहब जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं पागल हूँ जो आपको मना करूँगा, आइए। साहब जी मुझे कोई काम मिल सकता है? कैसा काम? यही झाड़ू पोछा सफाई सुथराई। हाय इतनी प्यारी हैं आप और ये काम करती हैं? हाय तो फिर क्या करूँ? आपको तो किसी फिल्मों में हीरोइन आना चाहिए। हाय शौक तो बहुत है लेकिन कुछ चाना से नहीं देता। अरे इसमें ऐसी क्या बात है, मैं हूँ ना। क्या कह रहे हैं साहब आप? हाँ ये शान रीमा रेम्बो किसने बनाया? किसने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ किसने, मेरा तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको, किसने बनाया? क्या मतलब? मेरा मतलब ये था कि वो मतलब मैं बताती हूँ जानी कौन है।
मैं काम के लिए आई हूँ, मेरा नाम है मोना। अच्छा, खबरदार जानी, मोना को तुमने चूना लगाने की कोशिश की तो। बेगम साहिबा, ये कौन है? ये तुम्हारा पेटी भाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये यहाँ का नौकर है जानी। लेकिन ये तो कह रहे थे कि फिल्में बनाते हैं। तभी तो ये तुम्हारे साथ फिल्म कर रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने। और मोना जी, आप जाइए। कहाँ चली जाइए भला? अरे भाई रुको रुको, मेरे को वैसे भी काम करने वाली को ढूंढ रही थी, तुम मिल गई। चलो मैं तुम्हें घर के काम बताती हूँ कैसे काम करने। आओ चल, इधर क्या देख रही? चल शर्म करो जानी, नौकरानी को तो भला बख्श दो, बेशर्म कहीं कराओ तो। मैं अभी तो नौकर हूँ। आओ आओ, आ जाओ पापा, आ जाओ। फरा जरा पापा को चेक करना। पापा अभी कैसी तबीयत है आपकी? आप तो ठीक है जी। पापा जानी अब तो अच्छी होगी ना। एक सेकंड मैं चेक कर लूं। सांस ले, सांस ले जोर से। ये बच्चू आप ही है ना? हाँ पापा, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, ये दिली दिल में आपको बुरा भला कह रहे हैं। दिली दिल में नहीं, हम तो मुंह पर भी बुरा भला कहने को तैयार है। अंकल मुंह खोलें। मुंह खोलेंगे ना तो सबका पोल पट्टी खुलेगा, पोल पट्टी। अरे अंकल मुझे चेक करना है, मुंह तो खोलें। और खोलें। गाड़ी पार्क करना अंदर है। अच्छा सीमा, अंकल करंट कब मारते हैं? तुम हाथ लगा के चेक कर लो। अच्छा पापा, फरा तुम्हें कुछ हुआ क्या? नहीं तो। अरे बाबा मुझे लगता है फरा से ना पापा जानी को करंट लग गया है। ओहो सीमा, मुझे तो लगता है कि इनको ना कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, तो मैंने किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ओके बाय बाय। बाय। अरे बाबा मुझे लगता है थ्री फेज और न्यूट्रल ना, वो थ्री फेज होता है ना बाबा, न्यूट्रल मिल गया आपस में बाबा, धमाका हो गया है पापा। अरे बाबा मैं चेक कर। बच्चू से क्या काम है? जो चॉइस है चीनी चाहिए। नहीं है चीनी तो फिर जापानी ला दे। वो भी नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। क्या? अरे भाई है? ये क्या हो रहा? आप तो करोड़पति बनने वाले हैं। नहीं करो वाकई में। अरे भाई आपको बड़ी जल्दी एक खूबसूरत बीवी मिलने वाली है। नहीं करो, मैं बहुत शर्मिला हूँ इस मामले में। अरे भाई आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। वाकई आपकी किस्मत बदलने वाली है। मैं आपका मुंह मीठा कर दूंगा, खुश कर दूंगा आपको। मैं बस मुझे करोड़पति बनना, बता मुझे करना क्या है? बस तो सबसे पहले मुर्गा बन जाओ। ये ले मैं मुर्गा बनता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ के बड़े। हाँ जाके बोलो। अच्छा ये ले। हाँ बच्चा ये ले। शाबाश भाई, किसी मुर्गे ने हमला कर दिया तो? अरे कुछ तो होगा बेहूदा। और हाँ बंद कर ली आंखें। मैंने और जब तक मैं बोलू नहीं आंखें खोल ले। ठीक है ठीक है। थोड़ी सी खुली हुई है। शौकत भाई, शौकत भाई, कुत्ता शौकत भाई, शौकत भाई। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मैं एक सेकंड नहीं रहने का, मैं इधर से जाता ही जाता। अरे बाबा जानी हमसे तो जितना हो सकता है उतना करते हैं। परेशान? नहीं नहीं बाबा जानी, आपका ख्याल रखते हैं ना हम खुद। अब दुनिया की कोई ताकत हमको एक मिनट नहीं रोक सकता है। इधर आ जाओ, चलो आओ अंदर आओ। चलो भला जल्दी से इसे कमरे की भी तुमने सफाई करनी है। ये कौन है जी? आई अरे बाबा ये काम वाली है मोना। अच्छा मोना। बाबा जानी चले मैं आपको स्टेशन छोड़ा हूँ। इल्ले अब दुनिया का कोई ताकत भी हमको यहाँ से हिला नहीं सकती। अरे बाबा जानी अभी तो आपने कहा था कि आप जा रहे हैं। अरे नहीं हो, मैं नींद में बोल गया ना, नींद में। तुम्हारा नाम क्या जी? मेरा नाम है मोना। मैं हशमत का, तुम है मोना, दोनों मिलकर चले पूना, चले पूना। मैं दिमाग की बहुत सर पे रही हूँ साहब, मुझे कोई ऐसी वैसी ना समझना। अब अरे बाबा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंकल बेचारा बुढ़ा हो गया ना। मेरा मतलब है कि अंकल की उम्र ज्यादा होगी इसीलिए बच्चों की तरह बातें करता है, जाने दो। अरे बाबा जानी चले ना, आप परेशान हो रहे हैं। तुमसे परेशान हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज करता हूँ। वालेकुम आदाब, आप फिर आ गए। जानी मुझे चाय दे दो। बहुत परेशान हूँ सीमा जी। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, लड़की वाले देखने आए थे ना। अच्छा, फिर? फिर क्या, कहने लगे हमने तो देख लिया, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाई, आप उनको समझाएं, मुझे ना उस लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई है शिवाजी। उस लड़की ने आपको देखा है क्या? नहीं तो? तो ऐसे कैसे मोहब्बत हो गई? पता क्या मतलब? अपना शौकत भाई, मुझे बेवकूफ बना के अंदर घुसा, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे हुआ क्या है? अरे मैंने इनको घर में दाखिल होने से मना किया, बहाने से मुझे मुर्गा बनाया और अंदर घुस गए। अरे भाई, तो तुम भी तो अंदर नहीं आ रहे, दे देते मुझको। जानी, शौकत भाई बहुत परेशान है, इनकी मंगनी टूट गई है। मंगनी टूट गई है? मैं इनका सर तोड़ दूंगा। अरे शिवा जी, आपके घर में कोई दुश्मन है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, आपने किसी से चाय बनाने का तो नहीं कहा? हाँ, जानी से कही थी चाय मैंने। अरे भाई, आपकी चाय में जहर मिला हुआ है। क्या? हाँ, और जानी ने मिला है। नहीं, नहीं, जानी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ हैं? देखा बच्चू, आप यहाँ भी? अरे भाई, सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ हजार के डोट की तरह। देखो अपनी हद में रहो। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और कोई शरत नहीं होती। बचाओ, बचाओ साहब जी, बीबी जी, बचाओ, कोई ऐसा बचाओ। क्या हो गया भला, क्यों चीखे मार रही है? बीबी जी देखो, ये मुझे छेड़ रहा है। अब कोई बात नहीं, हीरो आ गया ना जी। और साइड हीरो भी आ गया। अरे बाबा, डायरेक्टर भी तो है। और डायरेक्टर की बीवी भी। अरे भला चुप तो करो, प्रोड्यूसर को तो पता चले क्या बात है, क्या हुआ है? बीबी जी, ये आदमी मेरे कब से पीछे कर रहा है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है, कहता है मुझसे शादी करो। अच्छा बाबा, रुको रुको रुको, इसका एक हल है मेरे पास बाबा, वो ये कि हमें रिश्ता कबूल है। अरे भाई, कबाल कर दिया, इसको कहते हैं प्रायत। लेकिन बाबा एक शर्त है। क्या? हम सब आपको मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद आपको सेठ हशमत देंगे। गले मिलो बाबा, गले मिलो। अच्छा, ये लड़की का अब्बू है क्या? यही समझे बाबा, लगाओ गले। वाह साहिब, वाह, क्या बात है। पानी पिला, पानी पानी पानी। हाँ सर, मैं अपने नौकर से बात, I mean sir, I'm talking to my servant. मैं आज एक ऐलान करने जा रहा हूँ। ऐलान वो ये है कि भाई जरीना का रिश्ता तय कर दिया है हमने। उसके साथ एक बंदा होना चाहिए ताकि अगर किसी चीज को जरूरत पड़े बाबा, तो उसको फौरन जो है ना वो पेश की जाए, ठीक है ना? हाँ बाबा सही, आप फिक्र ना करें, ये जानी उसके साथ रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना जानी? ठीक। हमको तो भाई नौकर जो हफ्ते भर के लिए चाहिए, अगर काम तुम बाबा अच्छा करोगे तो हमेशा के लिए रख लेंगे तेरे को। तो मेरा क्या होगा? मुझसे जो भी शादी करेगा ना, वो बहुत फायदे में रहेगा। तो यकीन कीजिए जी, मेरे अभी भी कुछ नहीं समझ आया। अरे बाबा, मैं समझाती हूँ। समझाइए ना जी। शानी, ये अंदर जाओ जरा, वो सफाई कर लो। बाबा तुम क्या सुन रहा था हमारी बातें? सरकार मेरी मजाल बच्चू, जाने दे इसे। अरे नहीं बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हमारी तरफ देख रहा था। लेकिन सरकार, देखने और सुनने में तो बहुत फर्क होता है, नहीं कि? मैंने खुद देखा है, बस आप आ जाएं और खत्म करें। अरे बाबा, मेरा शक सही निकला है बाबा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है? अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा,